आज हम ये देखेंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्या है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने जब बात की थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो उसमें हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है वो हमने देखा था। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थी वो कुछ इस प्रकार से था। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर ए टी एफ टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। तो ये था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन, ये था हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसका क्या रोल है या फिर कैसे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लिखते हैं। सो यहाँ पे भी बेसिक वही है, हमने यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी लिखा है, तो वहाँ पे इससे रिवर्स यानी कि इनवर्स है। तो इफ इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ टी देन देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इक्वल टू ई पावर ए टी इंटू एफ टी। हियर एफ टी इज ऑल्सो ई पावर ए टी इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। तो ये जो थियरम था वो था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो ये है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों जो बात है आपको समझ लेनी है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है वो इनवर्स लाप्लास में कैसे यूज होता है। सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था वो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस से इक्वल टू ई पावर ए टी इंटू एफ टी। हियर एफ टी इज अगेन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। तो इसकी जो यहाँ पे जो दूसरा रूल है वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है कि इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस दैट इक्वल टू एफ टी देन देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस प्लस ए इज हियर इफ हियर वी हैव ए। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस ए था तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस किया, ठीक है, प्लस किया। यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस ए टी इंटू एफ टी, और एफ टी जो है वो है हमारा ई पावर माइनस ए टी इंटू लाप्लास इनवर्स इनटू एफएस। तो ये जो है वो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इस प्रकार की जो ये प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके हम कैसे एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं या फिर किस प्रकार के जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ये अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ ताकि आपको जो है समझ में आए। चलिए फर्स्ट जो है थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस प्लस टू क्यूब, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार के फॉर्म में, देट इज एफ ऑफ एस प्लस टू इस फॉर्म में, ठीक है, एफ ऑफ एस प्लस टू के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो प्लस टू का कुछ है, मतलब इसको अगर सिर्फ मैं यहाँ पे एफ ऑफ एस के फॉर्म में लिखता तो वो कुछ इस प्रकार से होता है वन अपॉन एस क्यूब। और इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि भाई टी टू द पावर स्क्वायर अपॉन गामा 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 थ्री, ठीक है, ये होगा। तो ये तो हमें पता है एस वन अपॉन एस क्यूब के लिए, इन जनरल हमें एस टू द पावर एन के लिए भी पता है। अगर यहाँ पे मेरे पास एन होता तो यहाँ पे होता टी पावर एन माइनस वन अपॉन गामा एन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है गामा, सॉरी ये है गामा फंक्शन है गामा एन। सो ये यहाँ पे अगर एस टू द पावर एन होता तो मुझे पता होता, पर मुझे क्या है एफ ऑफ एस प्लस टू है, यानी कि हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एस उसकी जगह पे है एफ ऑफ एस प्लस टू। तो अगर यहाँ पे क्या यूज़ हुआ होगा, वहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, सो हमारे यहाँ पे मैं एफ एस यहाँ पे क्या निकाला मैंने,
सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन से थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। यर एफ ऑफ एस वो क्या है आपके पास, वो है 1/s+2³। ठीक है, पर मैंने बताया कि भाई ये आपको इसका अगर एस प्लस टू है तो उसको मैं अगर सिर्फ एस से रिप्लेस करूँ तो मेरे पास तो वो एस क्यूब होगा, और इसका क्या होगा वो तो मुझे पता है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग जो हमारी प्रॉपर्टी है वो देखिए वो क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लस के लिए, चलिए इस फॉर्मूले को देखते हैं। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इक्वल टू एफ टी, इसका मतलब कि मुझे अगर 1/s³ का अगर लाप्लास इनवर्स पता है तो मैं एफ ऑफ एस प्लस ए उसका निकाल सकता हूँ e-at इंटू लाप्लास इंटू एफ टी, या फिर e-at इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। सो यहाँ पे जो है मेरे पास ए जो है वो क्या है 2 है, ठीक है, ए जो है वो मेरे पास है 2। सो e-(-2t) इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³। ठीक है, ये क्या है 1/s³, मैंने वो यहाँ पे समझाया कि 1/s+2 है, उसमें जो प्लस टू लिखा है वो कहाँ से फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज किया होगा। सो चलिए अब देखते हैं आगे कि अगर ये हो जाए तो हम अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास तो यहाँ पे आ गया लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³ क्या होता है भाई, ये इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²n दैट इज इक्वल टू t²n-1/γn। इफ जो n है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर होता है, इफ n इज ये कोई किसी भी नंबर के लिए पता है और हमें पता है कि गामा n जो है वो क्या होता है n फैक्टोरियल, गामा n जो है वो होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला का अगर हम यूज़ करें तो e-2t इंटू यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू क्या है 3 है, सो दिस इज t²³-1/γ³ दैट इज इक्वल टू e-2t इंटू t²/γ³ दैट इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज e-2t इंटू t²/2। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से करना है कि भाई यहाँ पे जो होगा वो आपको अगर f ऑफ s प्लस ए के फॉर्म में, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूँ। चलिए कि अगर आपको दिया हुआ फंक्शन f ऑफ s प्लस ए या फिर f ऑफ s माइनस ए के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो क्या है, ट्रिक है वो है जो आपको फंक्शन होगा वो f ऑफ s प्लस ए या फिर f ऑफ s माइनस ए के फॉर्म में, तो आप एक बार फर्स्ट शिफ्टिंग, एक बार जो है वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करने या फिर उसके वे में सोचने की कोशिश कीजिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कब, जब आपका फंक्शन हो f ऑफ a प्लस ए s प्लस ए और या फिर f ऑफ s माइनस ए के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे फॉर्म का ताकि आपको पता चल जाए। दैट इज फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 10/(-2)^4। ठीक है, तो ये देखिए ये फंक्शन जो मुझे दिया है वो क्या है, अगर यहाँ पे सिर्फ क्या है s माइनस टू का फॉर्म s-2/10, यानी कि ये जो फंक्शन है वो मुझे f ऑफ s माइनस टू के फॉर्म में लग रहा है। मैंने यहाँ पे क्या टिक दी कि भाई जो आपका फंक्शन है वो या फिर f ऑफ s प्लस ए होना चाहिए या फिर f ऑफ s माइनस ए होना चाहिए। ये होगा तो हम जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमारा जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फिर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये f ऑफ s माइनस टू के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए हम इससे यूज़ कर पाएंगे। सो अवर सॉल्यूशन इज हियर f ऑफ s इक्वल टू 10/, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई ये f ऑफ s माइनस टू होगा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा है कि भाई ये हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आइदर वी हैव जो हमारा ये f s है वो क्या है 10/(-2)^4। ठीक, अब हम अगर इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करें, लाप्लास इनवर्स ऑफ f s दैट इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ 10/(-2)^4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 10 है वो तो ये है ना, लाप्लास जो कांस्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी है वो लाप्लास इनवर्स भी होल्ड करता है। तो ये हमारे पास है दैट इज s-2^4। ठीक है, आपको अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो चलिए मैं आपको जो हमने अभी लिखा था कि जो
फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था उसमें अब हमारे पास कौन सा केस आया, ये आया कि एफ ऑफ एस माइनस सी, हमारे पास जो फंक्शन है क्या है एफ ऑफ एस माइनस टू क्या फंक्शन है, तो उसके लिए क्या आएगा ई पावर ए टी, ए क्या है आपके पास यहाँ पे टू है, ई पावर टू टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, जो एस माइनस टू है फंक्शन जो है वो एस माइनस टू के फॉर्म में, पर वो एस के फॉर्म में क्या होगा, एस के फॉर्म में होगा वन अपॉन एस पावर, ये हो जाएगा अगर एस के फॉर्म में लिखे तो टेन अपॉन एस टू दी पावर फोर, यहाँ पे टेन तो कॉन्स्टेंट है तो मैं वन अपॉन एस टू दी पावर फोर तो लिख सकता हूँ, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला तो मुझे पता है, तो ये है हमारे पास टेन ई पावर टू टी इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस टू दी पावर फोर, चलिए ये हो गया। नाउ यहाँ पे अब हमारे पास आएगा अभी लाप्लास इनवर्स ऑफ एस टू दी पावर फोर क्या है, मैंने यहाँ पे ही फॉर्मूला जो डिस्कस किया है वो है कि अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ वन एस टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल व्हेन एन इज इंटीजर, ठीक है एन क्या होना चाहिए आपका इंटीजर होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एन क्या है, एन की वैल्यू है एन इक्वल टू फोर, तो उसके लिए ये होगा टेन इंटू ई पावर टू टी, यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा ई पावर टू टी, और ये फाइव इंटू टी क्यूब अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो मैंने जो ट्रिक बताई उससे यूज़ कीजिए और आपका जो है एग्जांपल थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसके फॉर्म में कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन टू एस प्लस वन स्क्वायर, ठीक है हमारे पास जो ये फंक्शन है वो क्या है एस अपॉन 2s प्लस वन स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो पहले समझते हैं कि कैसे करेंगे, तो आपका जो यहाँ पे fs है, चलिए यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन क्या है आपका fs इज दिस, यहाँ पे डायरेक्टली देखा जाए तो ऐसा कोई हमें फंक्शन या फिर हमें फॉर्मूला नहीं पता है कि जिसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर ऊपर s है और नीचे क्या होना चाहिए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए या फिर माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 2s प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो तो काम नहीं आएगा। तो दूसरा क्या फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करते हैं, चलिए तो चलिए कुछ अरेंजमेंट करते हैं उससे हम क्या निकल के आता है वो हम देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एफ एस है, ये जो है आपको थोड़ी सी ट्रिक है, अगर कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आपको इस प्रकार की ट्रिक्स जो है या फिर जो हिंट है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो एस है आपके पास यहाँ पे है 2s प्लस वन होल स्क्वायर, नाउ यहाँ पे जो है 2s प्लस वन होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ से अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज s अपॉन यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा s प्लस वन हाफ स्क्वायर, ठीक है s प्लस वन हाफ स्क्वायर। नाउ यहाँ पे है वो है 1 बाय 4 और s अपॉन s प्लस वन हाफ स्क्वायर है, ठीक है इस प्रकार से है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे s प्लस वन बाई टू एंड एस माइनस वन बाई टू कर देता हूँ, चलिए क्यों किया कि यहाँ से जो है एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी तो मेरे पास वन अपॉन एस का फॉर्मूला, और यहाँ पे जो वन हाफ है वो कोई कांस्टेंट है तो मेरे पास वन अपॉन एस स्क्वायर, इस प्रकार के तो फॉर्मूला है मेरे पास, पर मेरे पास यहाँ पे एस अपॉन एस प्लस वन हाफ होल स्क्वायर तक कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया उसकी जो है अरेंजमेंट की, ठीक है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाय फोर और s प्लस वन बाई टू अपॉन s प्लस वन बाई टू स्क्वायर माइनस वन हाफ अपॉन s प्लस वन बाई टू स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली जो फॉर्मूला हुआ वो हमारे पास जो फंक्शन था उसका जो हम जानते हैं वही हुआ, ठीक है तो हम तो जानते हैं कि भाई इसका जो है लाप्लास इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई फोर, यहाँ पे हुआ है 1 अपॉन
एस प्लस वन हाफ, यहाँ पे तो माइनस वन हाफ मतलब जो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस वन हाफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है वन अपॉन एस प्लस वन हाफ और ये है वन अपॉन एस प्लस वन हाफ स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है उसके अगर एफ ऑफ एस प्लस वन हाफ वाला कोई पॉइंट है तो इसका अगर सिर्फ एस के फॉर्म में लिखे तो ये फंक्शन इस प्रकार के फॉर्म में, और इसका हमें क्या पता है, लाप्लास इनवर्स पता है। ठीक है, इनवर्स लाप्लास जो है वो पता है। तो कैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। सो दिस इज अवर फाइनल एफ ऑफ एस। ठीक है, इसका एक और थोड़ा सा कर देते चले सिंप्लीफिकेशन, दैट इज वन अपॉन एस प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई एट इंटू वन अपॉन एस प्लस वन बाई टू पावर फोर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल एफ एस। अब हमें इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है। सो दिस इज अवर फाइनल एफ एस। नाउ नाउ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस दैट इज इक्वल टू वन बाई फोर लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई एट इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन बाई टू स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो वन अपॉन एस प्लस ए के फॉर्म में है, और इसका अगर हमें लाप्लास इनवर्स फाइन करना है तो उसकी वैल्यू होती है ई पावर माइनस एटी इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। सो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, वन हाफ है। सो मेरे पास ये हो जाएगा ई पावर माइनस टी बाई टू इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस। ठीक है, इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस, और ये जो है वो है वन अपॉन एस प्लस टू स्क्वायर। दैट इज इसके लिए देखा जाए, इसके लिए तो वो हो जाएगा ई पावर माइनस टी बाई टू इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाई एस का। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़े से अच्छे से लिखते हैं जो हमने देखा है अभी, कि मैंने दिखाया कि भाई फॉर्मूला है वो कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मूला है वो हमारे पास यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। सो दिस इज वन बाय फोर इंटू इंटू ई पावर माइनस टी बाय टू, ई पावर माइनस एटी था तो हमारे पास ए क्या है यहाँ पे वन हाफ है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इक्वल टू वन हाफ ई पावर माइनस एटी, जब हमारे पास प्लस हो जाए, इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। एफ एस यहाँ पे क्या है, ये तो एस प्लस ए है, एस क्या है एफ ऑफ एस इज वन बाय एस माइनस वन बाय एट इंटू लाप्लास इनवर्स जो है। यहाँ पे भी ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू यहाँ पे भी वन हाफ है, दैट इज लाप्लास सॉरी दैट इज ई पावर माइनस टी बाई टू इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर। नाउ इसको हम अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये है आपके पास वन बाय फोर इंटू ई पावर माइनस टी बाई टू लाप्लास इनवर्स ऑफ वन बाय एस। यहाँ पे जो एस है उसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ देखा जाए तो एस की जो वैल्यू है एस टू द पावर वन है, और उसका जो लाप्लास इनवर्स होता है वो होता है वन माइनस वन बाय एट इंटू ई पावर माइनस टी बाई टू। यहाँ पे क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर वाला जो है उसको हम कैसे देखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस टू द पावर एन, एंड दैट इज इक्वल टू इफ एन इज इंटीजर, तो उसके लिए होता है इफ एन इज इंटीजर, तो उसके लिए यहाँ पे होता है टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, हियर एन इक्वल टू टू। तो ये हो जाएगा टी टू द पावर टू माइनस वन दैट इज वन, टी टू द पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल। तो दिस इज वन बाय फोर ई पावर माइनस टी बाई टू माइनस वन हाफ ई पावर माइनस टी बाई टू इंटू टू। तो ये जो है वो क्या है, आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आपके पास जब कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे सोचना है, ऐसे अरेंज करना है। इस प्रकार के एग्जांपल बहुत ही कम होते हैं, पर अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये था आज का हमारा एग्जांपल कि भाई एस अपॉन टू एस प्लस वन द होल स्क्वायर, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो हमने यहाँ पर निकाला। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम जो है उसका आंसर आपको देंगे। सो यहाँ पे खुद से ट्राई करने के लिए तो आपको फाइंड करना है इनवर्स लाप्लास ऑफ वन अपॉन अंडर रूट
2s+3। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। हिंट आपके पास ये है कि इसमें जो है डायरेक्टली आप कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे, पर जब आप 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से होगा, 2 to the power 1 s+3/2 to the power 1। अब हमारे पास ये a हो जाएगा, a = 3/2, एंड यहाँ पे जो है वो लाप्लास इन्वर्स ऑफ s to the power n में n जो है वो इंटीजर ना हो। ठीक है, n इज नॉन इंटीजर वाला जो फॉर्मूला था, यानी कि t to the power n-1/γn, ये फॉर्मूले का आपको क्या करना है, यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे 95% तो जो है वो आंसर दे दिया है आपको, सिर्फ आपको अप्लाई करना है और जो है वो वैल्यू रखनी है। ठीक है, और एक फॉर्मूला दे देते चलिए आपको, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और फंक्शन है 3s+1/s+1 to the power 4। ठीक है, तो इसका आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है, और इसमें जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे वो मैं आपको दे देता हूँ कि हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है उसको करेंगे। यानी कि इसके लिए अगर मैं आपको हिंट दे दूँ तो यहाँ पे आपके पास 3 into s+1, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और आपके पास जो फाइनली था वो 1 था, दैट इज -2/s+1 to the power 4। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन है वो 100% सॉल्व हो जाएगा और वहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो आपको सिर्फ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s to the power n, और यहाँ पे जो था वो था 1/s to the power n। तो यहाँ पे जो आपको लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s to the power n व्हेन n इज इंटीजर उसका फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, उससे आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे करते और उसके एग्जांपल कैसे सॉल्व करते वो था। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा, और ये जो दो एग्जांपल है आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके जो भी आंसर हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें वो भी कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करना जरूर मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।